राहुल गांधी जी ने कल वो सच बयां कर दिया जिस पर पर्दा डालने की लाख कोशिशें मोदी सरकार कर रही थी। उन्होंने चीन से गहराते हुए संकट का जिक्र करते हुए यह जरूर कहा कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है, चीन तैयारी करता हुआ दिख रहा है युद्ध की और मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी हुई है। चित परिचित अंदाज में मोदी जी के गुर्गे, उनकी ट्रोल आर्मी, चरण चुंबक और सरकार के नुमाइंदे लग गए राहुल जी को अटैक करने में। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चीन से संकट गहरा है और चीन से संकट गहरा इसलिए है क्योंकि आप सच्चाई पर लगातार पर्दा डाल रहे हैं। चीन से झड़प की खबरें आ रही हैं। अरुणाचल से आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर शेल्टर बना लिया है चीन ने, आप ही के एमपी ने कहा है वहां पर गांव स्थापित कर लिए चीन में, आपके कान पर जू नहीं रेंग रही। लद्दाख में जहां तक हम गश्त करते थे वहां तक गश्त नहीं कर पा रहे। जिस गलवान घाटी में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई वहां पर चीन घुसा बैठा हुआ है। और बजाय चीन को सबक सिखाने के गलवान की शहादत के बाद मोदी जी ने चीन को और बड़ा व्यापारी भारत के साथ बना लिया है, चीन को और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, छोटी मोटी ऐप को बैन करने का काम किया जा रहा है और $115 बिलियन का चीन के साथ व्यापार किया जा रहा है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि गलवान की शहादत के बाद हुई है। तो कोई ये सवाल क्यों ना पूछे कि 18-18 बार आप मिले चीनियों से, आपकी असीम मोहब्बत है चीन से, तो क्या आप चीन पर चुप इसलिए हैं क्योंकि बेपनाह मोहब्बत है या कहीं कोई और डर है? क्योंकि चीन पर आपकी चुप्पी तो निंदनीय है और चीन पर आपकी चुप्पी बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रही है। और सेना के शौर्य और पराक्रम पर मोदी जी आप और आपके गुर्गे तो पाठ बिल्कुल मत पढ़ाइएगा क्योंकि आप तो सेना से ज्यादा साहसी एक व्यापारी को बताते हैं और ये भूल जाते हैं कि सैनिक अपने सीने में गोली खाकर देश की रक्षा करता है, गल्ले पर बैठकर पैसा नहीं गिनता है। पाठ पढ़ाना बंद कीजिए और देश को बताइए कि चाइना पर पीएम मोदी चुप क्यों है।